अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं मुर्गे की कलेजी और पोटे का पकाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही यम्मी बनेगा और बहुत ही अच्छे मसालेदार में बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने पोटा को अच्छी तरह से उसकी चर्बी वगैरह निकाल लिया कलेजी की, और उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, नमक डाल के, तेज़पत्ता वगैरह डाल के बॉईल कर लिया है। अब ये ना गल गई है 90%। अभी इसके पानी को मैं एक छन्नी में निकाल के और इसको छान ली हूँ। पूरा पानी को मैं फेंक दूँगी इस तरह। देखिए, एकदम सूख गई है। अब इसके अंदर मैंने ये हरी चटनी लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ज़ीरा एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी, और दो चम्मच मिर्चा बुक्की, और दो चम्मच मैंने धनिया का पाउडर भी लिया है। गरम मसाला मैं एक घर का बना हुआ ली हूँ और एक जो है रेडीमेड है। इन तमाम मसाले को मैंने रेडी कर लिया। आप स्किप मत कीजिए, बहुत ही अच्छे आज आपकी रेसिपी बनने वाली है। अब मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा भी मत लीजिए, मैं तो कम तेल खाती हूँ। 1 किलो कलेजी के हिसाब से मैं तेल ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने प्याज को काट लिया था, अब उसको इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से अब मैं भून लूँगी। अब ये जो है ना, एक टमाटर भी मुझे डालना है, ज़्यादा टमाटर नहीं डालूँगी, खट्टा नहीं करना है, इसको मैं भून लूँगी। भूनने से इसका स्वाद ना बहुत ही अलग हो जाता है, और काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। प्याज को मैं तेज़ आँच पर भून ले रही हूँ, और इसको मैं चिमटे से इसका पूरा छिलके को इस तरह से निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसको मैंने टुकड़े में काट लिया है। ये टमाटर कट गया, अब भुजे हुए टमाटर को साइड में रख दी हूँ। प्याज मेरी रेडी हो गई है, अब इसके अंदर मैं पोटा कलेजी मुर्गे की डाल दी हूँ। अब इसको तेल के साथ खूब अच्छी तरह से भूजूँगी इस तरह। अब ये तेल में ना खूब अच्छा रोस्ट हो जाएगा, गली हुई है ना। अब इसको देखिए पूरा मैं भून लूँ प्याज, और ज़्यादा देखिए तल गई है। ये जो मैंने आपको मसाला बताया है, ये पूरा मसाला अब इसमें मैं डाल दी। इसके अंदर जो मैंने टमाटर को रोस्ट करके छील के रखा है उसको डाल दूँगी। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला लीजिए, और अब इसका मसाला पकना चाहिए तो इसमें मैं पानी भी डालूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छे से हो जाए। ये देखिए पानी को मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह से चला के ढक दीजिए धीमे आँच पे। अब मेरा मसाला जो है अच्छी तरह से पक गया, अब इसको खूब अच्छा चला लीजिए। ये मसाला पूरा पक गया है ना, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। खूब अच्छी तरह से चला के और भूंज लिया है मसाले को मैंने, और भूनने के बाद इसमें पानी और डाल दी हूँ ताकि जो 10% गला नहीं है वो गल भी जाए और मसाला पूरी तौर से कलेजी में समो जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दी हूँ। अब ये मेरा ये कलेजी जो है रेडी हो गई है। नमक मुझे कम लग रहा है ना, क्योंकि पानी इसका निथार दी थी, फेंक दी थी छान के, तो अब इसके अंदर थोड़ा नमक डाल के अच्छी तरह से चला लीजिए। हाँ, ये सूखी कलेजी है, सूखी मैं कलेजी बनाई हूँ। अब इसके अंदर आप हरी धनिया अच्छी जरे ज़्यादा सी डाल दीजिए, और ये रेडी हो गई कलेजी। आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही यम्मी होती है, लाजवाब।